हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं एन सी आर टी एग्जाम्पलर बुक चैप्टर टू पॉलीनोमियल एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का सेक्शन ए पार्ट हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें वन टू सेवन क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं जो रिमेनिंग फोर बचे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए एट नाइन टेन इलेवन वो फोर क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो ये चारों क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है समझने के लिए तो आप इसको अच्छे से समझोगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे तो क्वेश्चन इज जीरोज ऑफ द वेयर पॉलिनामियल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो आप यहाँ पे देखो जो आपको क्वाडेटिकवेशन यहाँ पे दी हुई है वो वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ x भी वेरिएबल है और k भी वेरिएबल है तो हम यहाँ पे जीरोज को कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कि एक्चुअल में यहां पर जीरोज हमारे पॉजिटिव कैनोट बहुत भी पॉजिटिव या कैनोट बहुत भी नेगेटिव आर ऑलवेज इक्वल आर ऑलवेज अनईक्वल ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं बता सकते हैं तो हमें यहाँ पे के जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको यहां पे हमें फाइंड करना पड़ेगा तो, तो आप यहां पे देखो ओके okay, तो ये इक्वेशन हमारी जो गिवन थी वो मैंने लिख लिया तो ये सारा यहाँ पे के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जीरो यानी कि अल्फ़ा बीटा किस तरह से आएंगे तो हम यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है के की वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि K के जीरो के इक्वल नहीं है अब इससे हम यहाँ पे दो बात कह सकते हैं के अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो या तो के लेस देन जीरो या फिर आपका के क्या है ग्रेटर देन जीरो यही दो वैल्यू यहाँ पे आ सकती है के के लिए ठीक है तो अब अगर के लेस देन जीरो है तो हम यहाँ पे देखो इस इस इक्वेशन के जीरोस का हम सम लिखते हैं उससे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे लिख लेती हूँ के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ के इज़ लेस देन जीरो तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस आपके क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी बाई के इक्वल तो यहाँ पे कॉफिशियंट देख लो एक्स्यूर का कॉफिशियंट आपका ए होता है ए वन है एक्स का कॉफिशेंट भी होता है बी यहाँ पे के है और कांस्टेंट आपका यहाँ पे सी होता है तो सी इक्वल टू के तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना है आपका के है और ए कितना है वन है यानी कि एल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे क्या हो गया माइनस के हो गया ठीक है तो इस K के के वैल्यू के ऊपर हम बता देंगे कि अल्फा बीटा के क्या साइन होंगे तो आप यहां देखो के इज ग्रेटर देन है तो के की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख है? सकते हैं ग्रेटर देन आपकी वैल्यू हो जाएगी रख सकते हैं टू थ्री फोर फाइव अप टू लेके इंफिनेटी तक हम सारे पॉजिटिव वैल्यू यहां पे रख सकते हैं तो के की आप यहां सारी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे यानी के की जगह मैं वन रखूंगी तो ये माइनस वन हो जाएगा टू रखूंगी तो माइनस टू होगा थ्री रखूंगी तो माइनस थ्री हो जाएगा तो के की सारी पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर क्योंकि k ग्रेटर देन जीरो है तो एल्फा प्लस बीटा हम k की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एल्फा प्लस बीटा हमेशा हमारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा ठीक है ये समझ में आ गया क्योंकि k हमारा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इस कंडीशन की वजह से k पॉजिटिव है और एक साइन यहाँ पे है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हमेशा यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा फिर एक तो ये हमने बता कर लिया और दूसरा आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो अल्फा एन बीटा क्या होता है हमारा सी बाई ए होता है तो दिस इंप्लाइज अल्फा एन बीटा सी आपका के है और बी कितना ए यहाँ पे कितना है वन है तो so, इसका मतलब अल्फा ए बीटा आपका यहाँ पे क्या हो गया ओनली के हो गया और हमारा के इज ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी हमेशा हमारा यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा ओके okay? तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम यहां देखेंगे कि अल्फा और बीटा के क्या साइन हो सकते हैं तो देखो मैं यहां पे लिख लेती ये ये अल्फा ले ले लिया ये बीटा ले लिया बीटा अब यहां पे नेगेटिव है नेगेटिव है तो यहां पे आप देखो अब मैं अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रखू लाइट की मैंने अल्फा लिया ट्वेंटी और बीटा लिया मैंने यहां पे माइनस ले लिया ठीक है तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा यानी कि ट्वेंटी माइनस फाइव ट्वेंटी प्लस माइनस फाइव मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो एल्फा ट्वेंटी लिया फिर प्लस बीटा मैंने माइनस फाइव ट्वेंटी माइनस फाइव मेरा यहाँ पे फिफ्टीन हो गया तो ये यह यहाँ पे आपका क्या नेगेटिव आना चाहिए तो इसका मतलब ये हमें नेगेटिव लेना है ये पॉजिटिव लेना है okay? ओके तो ये ट्वेंटी माइनस फाइव हमारा माइनस का फिफ्टीन हो जाएगा क्योंकि ट्वेंटी बड़ा है लेकिन अगर इन्हीं को ये मेरा एल्फा है और ये बीटा है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो चीज़ यहाँ पे देखनी है क्योंकि मेरा एल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव है तो दो नंबर का प्रोडक्ट कब यहां पे पॉजिटिव हो सकता है जैसे मैं टू इंटू टू ये दोनों पॉजिटिव है तो भी सॉल्यूशन मेरा फोर आ रहा है और ये दोनों अगर मेरे नेगेटिव है तब भी आंसर मेरा यहां पे फोर हो रहा है क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है और यहां पर अगर आप यहां पर इसको देखते हुए अगर आप देखोगे तो यहां पर यह चीज आपकी सही नहीं हो रही अब देखो कैसे देखो मैंने अल्फा की वैल्यू यहां पॉजिटिव लिया दोनों पॉजिटिव लिए और मैंने यहां पे अल्फा नेगेटिव बीटा को भी नेगेटिव लिया तो ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों प्लस प्लस है तब भी मेरा प्लस आ रहा है दोनों माइनस माइनस है तब भी मेरा प्लस आ रहा है अब इसके लिए आप चेक करो कि दोनों नेगेटिव है क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है जैसे मैंने माइनस टू प्लस माइनस टू किया तो ये हो गया, two, minus minus हो गया तो एल्फा प्लस नेगेटिव आ रहा है लेकिन दोनों वैल्यू पॉजिटिव है जैसे ये two और two लिया, तो टू प्लस टू किया तो वो मेरा सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है जबकि मेरा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं करी एल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव एक साथ

तो लेस देन जीरो तो के की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है माइनस वन हो सकती है माइनस टू हो सकती है माइनस थ्री हो सकती है माइनस फोर अब यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हो सकती है तो अब मैंने के की जगह यहाँ पे माइनस वन रखा तो दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस का वन हो जाएगा माइनस टू रखा तो माइनस माइनस प्लस तो ये यह यहाँ पे प्लस का टू हो जाएगा तो एवरी कंडीशन पे जब भी मैं यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो ये मेरा हमेशा अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं तो एल्फा इंटू बीटा यहाँ पे के आ रहा है और के मेरा क्या है लेस देन जीरो यानी ये सारी वैल्यू होगी तो एल्फा इन टू बीटा यहाँ पे मेरा क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो ये अब सेम यहाँ पे हम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हूँ ऐसी ही वैल्यू को देखते हैं यहाँ पर तो अब यहां पे प्रोडक्ट से पता लगा सकते हो देखो प्रोडक्ट में अगर यहां पे नेगेटिव साइन आए इसका मतलब क्या हो रहा है एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है क्योंकि देखो माइनस टू इन टू ही आपका माइनस फोर होगा या फिर टू इंटू माइनस टू ही आपका माइनस फोर होगा दोनों नेगेटिव है तो आपका यहाँ पे दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा हमें अल्फा इंटू बीटा माइनस में चाहिए तो या तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो एक बार मैंने एल्फा को पॉजिटिव ले लिया बीटा को नेगेटिव ले लिया एक बार मैंने एल्फा को नेगेटिव लिया बीटा को यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया ओके अब देखते हैं इन दोनों एक ही टाइम पर दोनों कंडीशन कहाँ सेटिफाई हो रही है आपको यहाँ पे चाहिए एल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होना

है ना मुझे तो तब भी आपका कैलकुलेशन में क्योंकि प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आगे लो किसको पीछे लो तो प्रोडक्ट भी आपका माइनस हंड्रेड आएगा चाहे माइनस फाइव इंटू ट्वेंटी कर दूं तब भी मेरा माइनस हंड्रेड आएगा और मैं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी कर देती हूँ तब भी मेरा यहाँ पे कितना आएगा फिफ्टीन ही आएगा तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है ये दोनों ही साइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अब इन आंसर से ये जो आपके चार ऑप्शन आपने यहाँ पे देखे इससे आपको पता लगाना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है तो एल्फा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों नेगेटिव यहाँ पे हो सकते हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे मैंने अभी आपको यहाँ चेक करके बताया तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है ये वाला नॉट बोथ बी पॉजिटिव ये मतलब कि दोनों एक साथ में दोनों भी जो भी आपके जीरोज आएंगे वो एक साथ में पॉजिटिव नहीं हो सकते तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा अलग आ रहा है ओके okay, तो अगर आप बाकी ऑप्शन को देखो कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते हैं बट दोनों हमारे यहां पे नेगेटिव हो रहे हैं हमने यहां कैलकुलेट करके देखा अब की आप यहां पे जीरो वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो बाकी बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो तो किसी न किसी वैल्यू पे वो हमें इक्वल आ सकते हैं किसी न किसी वैल्यू पे वो इक्वल नहीं आ सकते तो इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है इसकी इस आंसर के अकॉर्डिंग हमारा यही ऑप्शन आ रहा है कि दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द जीरो ऑफ द क्वाडिटिक पॉलिवेल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो आर इक्वल तो आपको यहां पे क्या कहा है कि इस इक्वेशन के जीरोस जो हैं इक्वल है तो आपको यहां पे सी यहाँ पे, पे साइन के लिए बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको यहाँ पे बताना है तो आप यहां पे देखो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं आपको कहा है कि दोनों जीरो जो क्या है इक्वल है तो जीरोज इक्वल की कंडीशन क्या होती है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इक्वल जीरो होता है अगर किसी भी क्वार्टिटिक इक्वेशन के जीरोज इक्वल हैं तो इसका मतलब वहां पर डी इक्वल टू जीरो होता है आपको ये फॉर्मूला बताए ना माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो माइनस बी बाई टू दोनों रूट आपके इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहां पर क्या है जीरो है तो डी का मतलब यहां पे होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो गया तो दिस एम्प्लाइज बी स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल हो गया फोर ए सी के क्योंकि हमें यहाँ पे साइन बताना है सी बी ए सी इनके साइन में रिलेशन यहाँ पे देखना है तो अब आप इसी इक्वेशन से आप यहाँ पे देखो साइन क्या होंगे आपको यहाँ पे देख रहे हो बी स्क्वायर है बी स्क्वायर है यानी कि, कि किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा क्यों क्योंकि देखो एक्स की जगह में अगर मैं माइनस टू रखती हूँ तो माइनस टू का स्क्वायर क्या तब भी फोर आ रहा है प्लस टू का स्क्वायर किया तब भी फोर आ रहा है और फोर हमारा जीरो से बड़ा होता है तो नेगेटिव नंबर का रखो या पॉजिटिव नंबर रखो किसी भी नंबर या वेरिएबल का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा जीरो से बड़ा होगा तो लेफ्ट आपका हमेशा हमेशा क्या हो 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 गया तो हो गया गया ग्रेटर ग्रेटर देन देन जीरो जीरो तो यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा यहां भी प्लस फोर आ, आ रहा है तो इसका मतलब ये जो फोर ए सी क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब फोर ए सी भी यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होगा जीरो होगा तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों वेरिएबल है ए और सी यहाँ पे दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल में से कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें बताया कि अगर हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और यहां पे को प्लस के कर, साथ मल्टीप्लाई करो तब भी आपका माइनस आएगा लेकिन दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो तब भी प्लस आएगा दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो तब भी आपका प्लस आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया ए और सी आपके डिफरेंट साइन के नहीं होंगे वो हमेशा क्या होंगे सेम साइन के होंगे चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो क्योंकि सेम साइन होने पर ही फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहां ए और सी देख लो ये सी एंड ए हैव अपोजिट साइंस तो ये हमारा रॉन्ग है अगर सी एन अपोजिट साइन के हुए तो वो ग्रेटर देन जीरो नहीं होंगे तो सी एंड ए हैव द सेम साइन तो इसका ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा सी ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट right है कि दोनों को क्या होना पड़ेगा सेम साइन का होना पड़ेगा ओके okay? फिर नेक्स्ट इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव टू द अदर देन इट तब आपको इसमें बताना है कौन सी कंडीशन सही है तो आप यहाँ पे देखो इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है कि एफ तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अब लेट कि इसके दो जीरोज़ हैं एक अल्फ़ा है एक दूसरा बीटा है अब आपको यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इज द नेगेटिव ऑफ़ द अदर यानी कि एक दूसरे का क्या है नेगेटिव है अगर ये यानी कि हम लेट कर सकते हैं कि या तो एल्फा इक्वल टू तो माइनस बीटा है या फिर बीटा इक्वल टू तो माइनस एल्फा है ओके तो इसका मतलब समझो आप एक दूसरे का नेगेटिव है अगर ये टू है तो ये माइनस टू है अगर ये फाइव है तो ये माइनस फाइव है अगर ये टेन है तो ये माइनस टेन है जो भी वैल्यू फर्स्ट वाले की है दूसरी वैल्यू उसकी बस नेगेटिव है साइन चेंज कर देना है तब तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आ, then it has linear term and the constant term is negative has no linear term and the constant term is positive तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो जीरोज हमारे आए हैं उससे हम एक क्वाडेटिक इक्वेशन बनाते हैं ओके okay? क्योंकि हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है यहाँ पे जिसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस मल्टीप्लाई में एक्स प्लस एल्फा बीटा यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास में तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा तो यानी कि हमने अल्फा चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो कोई एक ही ले लो तो अल्फा बीटा यहाँ पे बीटा की जगह माइनस अल्फा रख लेते हैं तो प्लस बीटा की जगह माइनस अल्फा हो गया तो अल्फा माइनस अल्फा यहाँ पे क्या हो गया जीरो यानी अल्फा अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारा ज़ीरो आ गया अब हम अल्फा इन बीटा फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने बीटा की वैल्यू पुट थी, यहाँ की थी एल्फा इंटू बीटा क्या है प्लस बीटा हमारा जीरो आ रहा था जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा, बीटा आपका क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस का अल्फा स्क्वायर आ रहा है ठीक है फिर आप इसको और सॉल्व करें के एज इट इज है एक्स स्क्वायर जीरो से एक्स मल्टीप्लाई हुआ जीरो ही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल्फा स्क्वायर और इक्वेशन इक्वल हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं ओके okay? तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो अब जब हमारे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे जीरो के इक्वल हो गए हैं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें पॉलिनोम बनाना था उसमें सिर्फ दो ही टर्म है एक टर्म है आपकी ये जिसकी डिग्री टू है और ये आपकी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है लीनियर इक्वेशन होता तो यहाँ पे वन वेरिएबल वन डिग्री ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी होती है? वन होती बट यहाँ पे इसकी डिग्री टू है तो इसका मतलब हैज़ नो लीनियर टर्म हैज़ नो लीनियर टर्म यानी कि ऑप्शन ए या बी में से कोई एक है क्योंकि जो हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाई है पॉलिनोमल हमने यहाँ बनाया है उसकी डिग्री टू है अब आपको यहाँ देखना है कॉन्स्टेंट टर्म क्या है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ से ही दिख रहा है ये नेगेटिव टर्म है क्योंकि मैं अगर अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूँ चाहे मैं यहाँ पे वन पुट करूँ टू पुट करूँ थ्री पुट करूँ ये साइन कभी भी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि अगर मैंने माइनस वन पुट किया तब भी स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस टू पुट किया तब भी स्क्वायर है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे हमारा क्या रहेगा नेगेटिव तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा वाला राइट है ऑप्शन ए और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या होता है माइनस uh, सी बाई ए होता है यहां पे प्रोडक्ट का ना जैसे अल्फा प्लस बीटा टू बी बाई ए होता है यहाँ पे तो जीरो सॉरी माइनस बी बाई ए तो जीरो हो गया लेकिन प्रोडक्ट ऑफ आपका पे क्या जीरो सी बाई ए और सी यहां पे आपका कौन है ये इस इक्वेशन का इस इक्वेशन में सी कौन है आपका बी है तो माइनस एल्फा स्क्वा टू तो बी और ए कौन है यहाँ पे वन तो ये देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे जो बी होगा वो भी आपका क्या होगा नेगेटिव बनने के लिए क्योंकि लेफ़्ट अगर नेगेटिव है तो राइट right भी आपका क्या होना चाहिए बी नेगेटिव होना चाहिए तो उससे भी आप देख सकते हो यहाँ से भी आप देख सकते हो क्योंकि मैं अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने पर भी ये नेगेटिव साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो कॉन्स्टेंट टर्म मेरी यहाँ पे क्या है नेगेटिव है नाउ नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनमल तो अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल का ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा क्या होता है एक इस तरह से इस पैराबोलिक फॉर्म में बनता है इस कर्व की फॉर्म में यहां पे बनता है तो अब आपको यहां पे बताना इसमें से कौन इसका ग्राफ नहीं है तो हमेशा रूट के लिए आपका यहाँ पे क्या होता है क्वाड्रेटिक के लिए या तो ये एक्सिस को टच करना चाहिए या कट करना चाहिए तो ये देखो ये वाला ग्राफ इसको ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है तो इसका मतलब ये जो भी इक्वेशन है इसके रूट रियल नहीं है तो ये आप यहाँ पे क्या करोगे नो रियल रूट तो ये रूट आपके यहाँ पे क्या है रियल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट यहाँ पे रूट रियल नहीं है तो रूट रियल होने की कंडीशन क्या होती है डी इज लेस देन जीरो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट उसके रूट यहाँ पे रियल नहीं आ रहे फिर दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है ये यहाँ पे इक्वेशन को क्या कर रहा है टच कर रहा है तो टच करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आपका जीरो आ रहा है तो जीरो आने का मतलब क्या है एक ही जगह पे टच कर रहा है तो रूट इसके रियल तो है बट इक्वल है यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका

अगर इस वाली इक्वेशन को देखें तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहां पे चेक करना है तो वो एक्सेस को एक जगह टच करनी चाहिए नहीं टच कर रही है या दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है या दो जगह टच भी कर रही है तब भी आपका राइट है बट इस तरह से नहीं होना चाहिए देखो यहां कितने पॉइंट इंटरसेकट कर रही है एक्स एक्सिस को वन टू थ्री तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये क्वाडेटिक इक्वेशन के तीन सोल्यूशन नहीं हो सकते तीन जीरोज़ यहाँ पे नहीं हो सकते हैं लेट के एक्स यहाँ पे थ्री है यहाँ एक्स यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री है यहाँ एक्स इक्वल टू आपका वन है या एक्स इक्वल टू फोर है तो तीन वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओनली टू ही वैल्यू आती है तो ये इसका मतलब यहाँ पे थ्री जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनॉमिल है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के थ्री जीरोज आते हैं तो ये आपका क्या है क्यूबिक पॉलिनॉमिल है इसका मतलब आंसर कौन सा वाला है यहां पे डी यानी कि डी आपका यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनामिल नहीं है ये एक क्यूबिक पॉलिनामिल है तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए ये थोड़े से अगर पेपर आपका लेंदी आने वाला है तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है और अगर आपने इनको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो कहीं से भी क्वेश्चन आप इजिली उनको अटेंड कर पाओगे आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू